शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए फॉर्म चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है, आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, किशोर झुंझुनवाला जी के साथ की गई हमारी मुलाकात के कुछ अंश आप इसके पहले देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे, जब हम खाना खाने के लिए किशोर झुंझुनवाला जी के साथ में निकले, कुछ देर के लिए उनकी ऑफिस में रुके, वहाँ पर मुंबई की मशहूर भेलपुरी के साथ साथ किशोर झुंझुनवाला के साथ कुछ बातें की और बहुत ही अच्छा वक्त उनके साथ बिताया। उस मुलाकात में गांधी जी के ऊपर ढेर सारी बातें हुई। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि हमने वहाँ पर क्या क्या बातें की। पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए, मजा आए और आपका ज्ञान बढ़े। आपको रात को 11 बजे स्टेशन छोड़ने तक मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच। आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं सर। उसी समय ये चले जाओ एयरपोर्ट। जी बिल्कुल सही बात है ना। हाँ। उसी समय जाना पड़ेगा सर, क्योंकि 4 बजे बोर्डिंग है। 4 बजे तो बोर्डिंग हो जाएगी, 5 बजे टेक ऑफ है। फिर क्या, ज्यादा देर करेगा तो टैक्सी में डेढ़ गुना पैसा लगेगा। हाँ जी, पानी लेकर सर जी। बम्बई में भेलपुरी करके बहुत फेमस है, इसको बोलते हैं सूखा भेल। अच्छा, इसके अंदर चटनी नहीं डाला गया, इसको ऐसे से मिलाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं गीला भेल और एक को बोलते हैं सेवपुरी। चीज एक ही है, एक में मुरमुरा होता है, एक में मुरमुरा की जगह पूरी होती है। ये देखिए, आटे की पूरी होती है। हाँ। मैं चाहता हूँ कि तीनों जन तीनों चीज खा के टेस्ट कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, भाईचारा भी बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। ये पीपीएस की फाइल है। ये फाइल से आपको 3-4 सीख मिलती है। ये लेटर आया गांधी के पास जी। आया? हाँ। गांधी ने क्या क्या रख लिया, इसका रिप्लाई दे दिया। ये गांधी के लिए लेटर फालतू हो गया, इसको जमा कर लिया। ये उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। इसके ऊपर ये लेटर जो है वो मुझे गांधी के सेक्रेटरी ने गिफ्ट दे दिए, 40 सेट, एक एक में 40-30 पन्ने हैं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है, हम यहाँ लिखते हैं ये क्या चीज है ये, तो इसके अंदर हम लिखते हैं कि इस चीज का रेफरेंस क्या है। मैं बोलता हूँ गांधी ने लिखा, तो बोला नहीं लिखा, क्या प्रूफ है? ये तो गांधी का हैंडराइटिंग ही नहीं, सच में नहीं है, ये गांधी का हैंडराइटिंग बिल्कुल नहीं है, तो फिर हम क्यों कलेक्ट किए? तो हमारा ये बोलना है कि गांधी जी ने सेक्रेटरी रख रखा है जी। वो सेक्रेटरी को बैठा रखा है कि मैं सुबह स्पीच देता हूं, इसको तुम डिक्टेशन से लिखो। तो शॉर्ट हैंड वाला नहीं है कोई, ऑर्डिनरी सेक्रेटरी है। एक होता है शॉर्ट हैंड, वो तो बहुत फास्ट लिखते हैं, फिर भी जैसे तैसे वो सेक्रेटरी लिख लेता है। और सेक्रेटरी का लिखा हुआ ये है, देखिए पूरा। फिर पोस्ट प्रेयर का मतलब है सुबह प्रार्थना होती है कंपलसरी, जहां गांधी रहेगा आश्रम में सुबह प्रार्थना होगी। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, रघुपति राजा राजाम, जो भी है सबको सम्मति दे भगवान। उसके बाद गांधी का लेक्चर हो गया, वो लेक्चर को सेक्रेटरी ने नोट डाउन कर दिया। सभा बर्खास्त हो गए, सब अपने अपने चले गए। सेक्रेटरी को बुलाया गया, लाओ तुमने क्या लिखा। वो सेक्रेटरी को पढ़ने का सेट दे देगा, गांधी पढ़ेगा। गांधी को लगा भूल है, देखो ये गांधी का हैंडराइटिंग है, ये देखो ये, इसको मैंने यहाँ हाईलाइट किया रेड में, इसको मैंने ट्रांसक्रिप्ट किया, ये पढ़ने अगर हम ये पढ़ नहीं सकते, ये देखो
दी मुस्लिम, दी मुस्लिम है ना। तो ये क्या लिखा है, ये गांधी ने लिखा है, देखो गांधी ने ये करके लिखा, ये ऑर्डर, ये देखो ये गांधी ने लिखा। तो लोगों को क्या चाहिए, गांधी का हैंड राइटिंग चाहिए। तो भाई हैंड राइटिंग तो है गांधी का ही, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। तो ये पूरा लेटर का सेट जब हम लगते हैं तो इसके अंदर से दो चीज सीखने को मिलती है कि गांधी ने क्या प्रेयर में स्पीच दिया। अभी देखिए इसमें बहुत कम है रेड वाला, बहुत कम है, पर कई कई है उसमें बहुत ज्यादा भी है। तो कितने हैं वो तो सब लिखा, हर क्या हर एक फाइल में लिखा है, ये देखिए। तो इस लेटर की अथेंटिसिटी क्या, तो अथेंटिसिटी पांच जगह से हमने निकाल के दे दिया। एक दे दिया कि ये इस किताब में लेटर छपा है दिल्ली डायरी में, ये लेटर छपा है, अच्छा ये लेटर की ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनी है, अच्छा ये लेटर इसमें छपा है कलेक्टर वर्सेस महात्मा गांधी, और ये लेटर इस पेपर में भी छपा है, अच्छा वो लेटर आपके पास है, उस लेटर में, उससे ज्यादा क्या चाहिए। और ऑल इंडिया रेडियो पे ब्रॉडकास्ट भी हुआ है। तो देखिए पूरा एक एक नंबर के साथ लिखा है। फिर और ये लेटर के बारे में दुनिया भर का इंफॉर्मेशन है, यहां से लेटर शुरू हो गया। अब ये जब खत्म होता है तो हम क्या करते हैं कि भाई तुमने एक तरफ का तो देख लिया, दूसरी तरफ का क्या, तो मैंने एक तरफ का ट्रांसक्रिप्ट किया हाथ का टाइपराइटर में डाल दिया, पढ़ने में आसानी। फिर तो टुकड़े टुकड़े गएंगे तो मैंने इसको कंटिन्यूस टाइप कर दिया ताकि आप एक फ्लो में पढ़ सको, इजी बना दिया एकदम। फिर जो पीछे में जो रुक्स है जिसके पीछे गांधी ने लिखा है वो सारे पीछे का ये लगा दिया गया, क्योंकि पीछे का तो गया उधर, तो पीछे भी माल पानी है, कुछ कुछ खजाना है, ढूंढो ढूंढो। हमारे सज्जन को तो बहुत मिला है पीछे, बोले बहुत अच्छी अच्छी चीज मिली है पीछे कि लोगों ने क्या लिखा गांधी को, तो बड़ा रिसर्च का विषय है कि पीछे क्या लिखा। तो जितने पन्ने उतने पीछे हैं, उसके बाद ठीक है भाई, ठीक है बताओ, बताओ तुम लोग बताओ क्या है। भगवान ढग भगाता है, तो ये हिंदी में लेटर्स है और ये इंग्लिश में गॉड रिमूव्स फियर, ये मेरे को मैं तुम समझो। फिर वो जो पेपर में छपा हरिजन में उसका पूरा पन्ना यहाँ लगाया और उसके अंदर वो लेटर इंसर्ट किया क्या बताओ भाई। वो लेटर एग्जैक्टली यहाँ टपा है, क्लियर विदाउट डाउट। एज अ रेफरेंस ये ओरिजिनल पेपर है मेरे पास, पर एक पेपर में 10 लेटर छपे हुए हैं इसलिए मैं लगा तो नहीं सकता इसमें, छोटे इसको रख दो। तो ऐसे हमारे पास 40 पॉइंट, 40 नहीं 43 है। ये देखो सर, ये सेवाग्राम जी, ये देखो ये उस कार्ड से था, ये कवर गांधी जी ने कवर भी खुद लिखा है, भाई हरिबक्स। ये देखो ये है तो इसका पीछे का यहाँ पे जोश रखा है, ये देखो ये कवर है श्री जमशेद जी, जमशेद भाई भारती को लिखा है, ये भाई रघुनाथ, हाँ रघुनाथ। ये कौन है भाई, नारायण नागरिक। लोग तो अंगूठा लगाते हैं, गांधी का पूरा पॉम्पलेट ओरिजिनल। उस पर कुछ लिखा हुआ भी है, लिखा हुआ नहीं तो क्या मालूम गांधी का है। गांधी ने लिखा है तो गांधी का है, गांधी कुछ नहीं लिखता तो क्या मेरा लगा के भेज देता। देखो क्या लिखा है, गांधी का सिग्नेचर है इसमें लिखा है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू डू बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट दैट इज हाउ यू डू।
भाई बड़े आदमी की बड़ी बात है भाई, हमको क्या मालूम, हमारे में तो इतनी बुद्धि है नहीं। श्री जवाहर, बड़े आदमियों की बड़ी बात है भाई, हमको क्या मालूम। हिंदी के जवाहर बने रहो, नेहरू जी को लेकर वास छोड़ो बच्चा, जगह लेटर छपा है ओरिजिनल तो मेरे पास है। यहाँ भी छपा है हिंदी के जवाहर बने रहे, इसमें पोस्ट कार्ड भी छप गया था, देखिए इस लेटर का पोस्ट कार्ड भी छप गया, इस लेटर का इसमें मेंशन हो गया और लेटर साला मेरे पास है, मेरे पाने के पहले सब हो गया होगा। अभी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ है। लाहौर से, इसमें भी सेम एड्रेस लिखा है, महात्मा गांधी बिरला हाउस। पाकिस्तान लिखा है? हाँ जी, ऊपर लिखा है इंडो पाकिस्तान ट्रैफिक, इंडो पाकिस्तान ट्रैफिक। कंटेंट बहुत मस्त है, कितना इज्जत किया गांधी का। इंग्लिश तो ये पूरा टेलीग्राम 7 पेज का है। अच्छा, तो 7 पेज पे पूरा गांधी को इतना बड़ाई किया उन्होंने गांधी की, तो बाजू में रखो। सर ये स्पेसिमेन नोट होते हैं।